नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं दिन की बड़ी खबरों की। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार को भगदड़ जैसे हालात होने के चलते कई महिलाएं और बच्चे घायल हो गए। दरअसल मंदिर के अंदर मौजूद लोगों के मुताबिक मंदिर में दर्शन करने के लिए आए वीआईपी लोगों के साथ मंदिर में भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके चलते स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। सावन के पहले सोमवार के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती समेत कई वीआईपी दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे थे और सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और एक वीडियो में नजर आ रहा है कि मंदिर के गेट पर चार श्रद्धालु सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए धक्का मुक्की के साथ अंदर घुसने के लिए, जिससे भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं राहत की बात ये रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया और किसी की जान नहीं गई। वहीं वीडियो में नजर आ रहा है कि स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए तैनात पुलिस के साथ सभी धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और पिछले महीने उन लोगों के लिए खोला गया जिन्हें कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है या फिर जिनकी 48 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव है। वहीं प्रशासन ने मंदिर प्रवेश के लिए सुबह 6 बजे से रात 8 बजे के बीच 3500 लोगों को दर्शन कराया गया। बता दें, जिसमें 2 घंटे में 500 लोगों को ही एंट्री की अनुमति दी गई थी। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कल सावन का पहला सोमवार था, उस मौके पर मंदिर में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और धक्का मुक्की जैसे हालात बन गए। हालांकि मंदिर में कई वीआईपी लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और उनके पीछे ही भीड़ भी उमड़ पड़ी और धक्का मुक्की करते हुए लोग वहां पर नजर आए। वहीं सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे, लेकिन सुरक्षा बल भी कहीं ना कहीं इस भीड़ को काबू नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि तकनीक के उपयोग से न सिर्फ भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है, बल्कि लोकतंत्र की भावना को भी चरितार्थ किया जा सकता है। तकनीक का उपयोग आम लोगों के जीवन में सुधार का बड़ा माध्यम बन सकता है। दरअसल कोरोना संकट के दौरान तकनीक के जरिए ही शासन की कई योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया जा चुका है। वहीं सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ई पास मशीनों के जरिए अनाज वितरण पर प्रतिवर्ष 1200 करोड़ रुपए की बचत भी की है। वहीं मुख्यमंत्री ने ये बातें सोमवार को upmygovernment.in पोर्टल के लॉन्चिंग के दौरान कही थी। बता दें, मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2014 को mygovernment.in पोर्टल लॉन्च किया था, जिसके जरिए मोदी ने लोकतंत्र की भावनाओं को साकार करने के लिए तमाम काम किए हैं। और इसी पोर्टल ने न केवल अपनी पहचान बनाई बल्कि सुशासन का लक्ष्य हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के mygovernment.in पोर्टल के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यूपी सरकार ने भी अपने पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की भावना के अनुसार अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहायक होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार की योजनाओं पर जनता के सुझावों को जानने के साथ ही नवाचार में भी मदद मिलेगी। वहीं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि mygovernment.in के उत्तर प्रदेश चैप्टर की शुरुआत से समाज और सरकार के बीच सामंजस्य बढ़ेगा, साथ ही साधारण व्यक्ति को भी सरकार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। वहीं सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने कहा कि ये प्रयास किया जाएगा कि प्रदेश में ये पोर्टल राज्य सरकार और नागरिकों के बीच सेतु के रूप में काम करे। साथ ही इस अवसर पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, एसीएस अरविंद कुमार, केंद्र सरकार में आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के सचिव अजय साहनी भी मौजूद रहे। साथ ही अधिकारी भी उपस्थित थे। कई ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में सोमवार को लखनऊ में हुई, जिसमें मुसलमानों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बोर्ड के सदस्यों ने कहा कि हमने जनसंख्या नियंत्रण कानून और धर्मांतरण सहित कई मुद्दों पर चर्चा की है। मदरसा सुल्तानुल मदरिस में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सायम में मेहंदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बोर्ड के पदाधिकारियों ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर
सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। साथ ही बोर्ड के महासचिव मौलाना यासुब अब्बास ने कहा कि धर्मांतरण के जरिए मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और कोई किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बना सकता। साथ ही बैठक में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और सदस्य वसीम रिजवी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई। वहीं बोर्ड ने निर्णय लिया है कि हुसैनाबाद की जर्जर इमारतों पर भी ध्यान दिया जाएगा। साथ ही बैठक में यासुब अब्बास सहित कई मौलाना मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित एक लोकसभा और तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भले ही अभी कोई हलचल नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसकी तैयारियां शुरू कर रही है। रविवार को बीजेपी ने शिवराज सरकार के मंत्रियों समेत विधायकों और सांसदों को जिम्मेदारी सौंप दी है। दरअसल खंडवा लोकसभा सीट चार जिलों तक फैली हुई है, जिसमें आलोक शर्मा के बुरहानपुर, खंडवा जिले के कविता पाटीदार, देवास जिले में पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय और खरगोन जिले में जीतू जिराती को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा खंडवा लोकसभा सीट में आने वाले विधानसभा सीटों में से हर सीट पर एक कैबिनेट मंत्री को प्रभार दिया गया है। साथ ही खंडवा लोकसभा सीट के नेपागर विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री तुलसी सिलवाट, बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री इंदर सिंह परमार, माधनता विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री विजय शाह और खंडवा विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री कमल पटेल, पंधाना विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री मोहन यादव, बागली विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री उषा ठाकुर, बीकनगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री जगदीश देवड़ा और बड़वा विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री जगदीश देवड़ा को जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय सेना की जासूसी के मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने मोहसिन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मोहसिन लगातार पाकिस्तान एम्बेसी के टच में था और वो तीन बार पाकिस्तान भी जा चुका था। दरअसल पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के मामले में अब तक कुल तीन गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वहीं मोहसिन से पहले पुलिस ने राजस्थान के पोखरण से एक को गिरफ्तार किया था। साथ ही भारतीय सेना के नायक परमजीत दहिया को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें क्राइम ब्रांच ने मोहसिन को दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके से गिरफ्तार किया है। साथ ही मोहसिन पेशे से एक स्क्रैप डीलर भी है। वहीं मोहसिन पर परमजीत की बहन को पैसे देने का आरोप भी है और साथ ही वो पिछले तीन साल से एक और शख्स के टच में था। पुलिस ने बताया कि मोहसिन तीन बार पाकिस्तान भी जा चुका था और वो बार पाकिस्तान भी जा चुका है और लगातार वो पाकिस्तान एम्बेसी के टच में था। जानकारी के मुताबिक मोहसिन पाकिस्तान से आने वाला पैसा परमजीत की बहन के बैंक अकाउंट में भिजवाता था। साथ ही इस पूरे मामले में पहले गिरफ्तार हुए सेना के नायक परमजीत दहिया और एक और शख्स को क्राइम ब्रांच पोखरण और आगरा से भारतीय सेना के दो अहम सेंटर लेकर गई थी, जहां पर सेंध लगाकर पाकिस्तान की आईएसआई भारतीय सेना की जासूसी करवा रही थी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज अपने दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं। इस दौरे में अफगानिस्तान में सुरक्षा हालात, हिंद प्रशांत में संपर्कों को बढ़ावा देने और कोरोना महामारी के चुनौतियों से निपटने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्लिंकन कुवैत रवाना होने से पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वहीं पीएम से पहले वो विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिलेंगे। बता दें कि जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद ब्लिंकन का ये पहला भारत दौरा है। साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के भारत दौरे में बातचीत के मुख्य एजेंडे में पाकिस्तान द्वारा आतंकियों को फंडिंग, दहशतगर्दों के लिए सुरक्षित पनागा बनाने और अमेरिकी फौजों को छेड़ने के बाद अफगानिस्तान में हालात हैं कैसे हैं, जिन पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। साथ ही सरकारी सूत्रों ने बताया है कि 27 जुलाई से शुरू हो रहे ब्लिंकन के दो दिवसीय भारत दौरे में चार देशों के समूह
क्वाड के ढांचे के तहत मजबूत गठजोड़ बनाने पर भी प्रमुख रूप से चर्चा की जाएगी। इसके तहत साल के आखिरी तक क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की संभावित बैठक भी होनी है और दोनों पक्ष क्वाड टीका पहल को आगे भी बढ़ाएंगे ताकि भारत में बनाए जाने वाले टीकों को हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों को 2022 के शुरुआत में आपूर्ति की जा सके। वहीं सूत्रों ने बताया है कि बिल्कन की इस यात्रा का एजेंडा व्यापक होगा जिसमें द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने का अवसर भी होगा। व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, डिजिटल डोमेन, नवाचार और सुरक्षा पर विशेष रूप से बातचीत की जाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के बटसेरी में रविवार दोपहर कई जगह हुई भूस्खलन की घटनाओं में 9 पर्यटकों की जान चली गई, साथ ही 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। वहीं भूस्खलन से वासवा नदी का बना हुआ पुल भी पूरी तरह से टूट गया है। बता दें पहाड़ से पत्थर गिरने की वजह से कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। वहीं रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हादसे पर दुख भी व्यक्त किया था। पुलिस के अनुसार किन्नौर जिले में बटसेरी के गुंसा के पास छितकुल सांगला मार्ग पर भूस्खलन की कई घटनाएं हुई थी। पहाड़ी से चट्टाने गिरने की वजह से पर्यटकों से भरा एक टेम्पो ट्रैवलर भी इसकी चपेट में आ गया था। बताया जा रहा है कि टेम्पो ट्रैवलर में 11 लोग सवार थे, इनमें 9 की मौत हो गई थी जबकि 2 लोग इस पूरे हादसे में घायल हो गए थे। वहीं सरकार के मुताबिक मृतकों में एक गाड़ी का ड्राइवर दिल्ली के रघुवीर नगर टैगोर गार्डन का रहने वाला था, साथ ही मृतकों में 4 राजस्थान, 1 महाराष्ट्र, 2 छत्तीसगढ़ के निवासी थे। जानकारी नहीं हो पाई, साथ ही 3 घायलों में से करीब 40 वर्षीय एक युवक सीरियल ओब्रॉय दिल्ली का बताया जा रहा है। साथ ही किन्नौर के डीसी आबिद हुसैन सादिक, एसपी एसआर राणा भी मौके पर पहुंचे। वहीं भूस्खलन होने के से गांव के बासपा नदी का बना पुल भी पूरी तरह से टूट गया है, इससे गांव का संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। जानकारी के मुताबिक पहाड़ से भूस्खलन सहित चट्टान गिरने से कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, साथ ही किन्नौर जिले में एक अन्य भूस्खलन में एक व्यक्ति घायल होने की सूचना बताई जा रही है। साथ ही जिला प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील भी की है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री जयराम रमेश ने जिला प्रशासन को तत्काल राहत बचाव कार्य शुरू करने के लिए भी कहा है। यूपी के बरेली के बहेड़ी में एक रिवर्स बता दें लफ्ज जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक लड़के ने अपना गलत नाम बताकर और धर्म छुपाकर एक अल्पसंख्यक लड़की से निकाह कर दिया। जब शादी के बाद इस बात का पता चला तो लड़की की मां ने रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस का कहना है कि लड़की के कोर्ट में बयान से सच्चाई सामने आएगी। वहीं यूपी में लव जिहाद का शायद ये पहला मामला आया है। बता दें यूपी को 2 दी गई तहरीर के मुताबिक आरोप है कि सहारनपुर के देववंत का रहने वाला कपिल राणा बरेली की बहेड़ी कस्बे के एक मोहल्ले में नाम बदल कर किराए के मकान में रहने लगा था। मकान मालिक को उसने अपना नाम रेहान बताया था। यहाँ रहने के दौरान मकान मालिक की लड़की से उसका प्रेम प्रसंग हो गया और उसने मकान मालिक की बेटी के हाथ मांगते हुए निकाह करने के लिए कहा। लड़की के परिवार वाले निकाह कराने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जब बारात आई तो लड़के के दोस्त भी आए। निकाह के बाद बारात चली गई, लेकिन इसके बाद लड़के ने एक पिकअप गाड़ी भेजी जिसमें उसका दहेज का सामान जाना था। बताया जा रहा है कि इसी गाड़ी में आए 2 लोगों ने लड़के का राज खोल दिया और इसके बाद लड़की की मां ने लड़के पर अपना धर्म छुपाकर अपनी बेटी से निकाह करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने सोमवार को अवैध संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस ने सरकारी जमीनों पर गिरोह बनाकर अवैध कब्जा करने वाले अजमत अली और सपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे उनके बेटे मोहम्मद इकबाल की 2 अरब की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने बताया कि अजमत अली गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 14 के तहत राज्य के पक्ष में कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि कुल अवैध संपत्तियों की बात करें तो ये 2,54,45,02,951 है। वहीं पुलिस आयुक्त डी के ठाकुर के आदेश पर पुलिस ने देर शाम 10 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की लग्जरी गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है और लखनऊ के थाना
मड़िया में पहुंचाया है, साथ ही लग्जरी गाड़ियों की सूची बनाई गई है और उसके बाद आरोपियों के परिजनों को इसके रिसीव भी करा गया है। साथ ही पुलिस कमिश्नर डी के ठाकुर ने बताते हुए कहा कि अजमत अली मंडिया सेत ग्राम खेला का रहने वाला है, साथ ही उसका जन्म साधारण परिवार में हुआ था। साधारण परिवार में जन्म होने के नाते उसका पालन पोषण भी सामान्य रूप से किया गया। अजमत अली की पैतृक संपत्ति की बात करें तो इसके पास नाम मात्र की पैतृक संपत्ति थी और कई भाई बहन भी हैं उसके, इसके हिस्से में बहुत कम संपत्ति थी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच देश की एक और स्वदेशी वैक्सीन परीक्षण में खरी उतरी है। खास बात यह है कि जायकोव डी वैक्सीन 12 साल और इससे ज्यादा उम्र के बच्चों समेत सभी पर कारगर है। जायडस कैडिला कंपनी ने क्लिनिकल ट्रायल के बाद ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया से वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी भी मांगी है। कंपनी ने लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया है। इसके साथ ही कुछ औपचारिकताओं के बाद ही इस वैक्सीन को जल्द ही बाजार में उतारने की भी तैयारी है। वहीं जायकोव डी क्लिनिकल ट्रायल पास किए हैं उस वैक्सीन ने, और वैक्सीन को मान्यता देने वाली सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कसौली ने बकायदा अपनी वेबसाइट में इसकी पुष्टि भी की है। कंपनी ने क्लिनिकल ट्रायल के लिए वैक्सीन के बैच कसौली भेजे थे और अब कंपनी DCGI से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलते ही वैक्सीन के पब्लिक बैच जांच के लिए दोबारा सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी उसे भेजेगी। LG में अब तक के सबसे युवा BC बताए जा रहा है 2014 बैच के IAS अधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने सोमवार को पदभार संभाल लिया है। उनका कहना है कि भू माफियाओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, वहीं आवंटियों की दिक्कतें प्राथमिकता पर दूर की जाएंगी। साथ ही फाइलों के गुम होने की समस्या को भी दूर करने के लिए ई ऑफिस पर भी काम शुरू कराएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा फाइलें डिजिटलाइज की जा सके। वहीं प्रभारी VC अभिषेक प्रकाश ने चार्ज लेने के बाद LGA पहुंचे और अधिकारियों से मुलाकात उन्होंने की और LGA के बारे में उन्होंने जाना। साथ ही उनका कहना है कि LGA में उनकी प्राथमिकता में बड़े फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पर काम तेज कराने के अलावा आवंटियों की दिक्कतों को दूर करना भी होगा। वहीं लखनऊ जन कल्याण महासमिति के पदाधिकारी उमा शंकर दुबे और विवेक शर्मा ने VC से मुलाकात कर आवंटियों की समस्याएं बताई, साथ ही कहा कि दिक्कतें दूर करने के लिए योजना बनाकर काम किया जाएगा। ठेकेदार क्यों काम नहीं कर रहे हैं ये भी उसमें देखा जाएगा। और इससे पहले भी बता दें, नवागत VC अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने हनुमान सेतु मंदिर जाकर आशीर्वाद लिया था, फिर चार्ज लेने वो LGA ऑफिस पहुंचे थे। ममता बनर्जी के दिल्ली पहुंचते ही तृणमूल कांग्रेस आक्रामक हो गई है। दरअसल ममता के दिल्ली पहुंचने से ठीक पहले पार्टी के संसदीय दल की बैठक हुई और बैठक में पेगासस जासूसी कांड पर सरकार पर हमला तेज करने का फैसला किया गया है। बता दें, जासूसी कांड को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने सरकार पर हमला तेज करने का फैसला लिया है। साथ ही कल शाम हुई संसदीय दल की बैठक में पार्टी ने फैसला किया कि जासूसी कांड के मुद्दे पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग की जाएगी। वहीं बैठक के बाद लोकसभा में पार्टी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने जानकारी बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर संसद में बयान नहीं देते तब तक संसद की कार्रवाई चलने नहीं दी जाएगी। वहीं बता दें, ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी का नाम भी पेगासस जासूसी कांड में सामने आया है और सरकार पर उनका फोन टेप करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी लोकसभा के सांसद भी हैं और दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले ममता बनर्जी ने राज्य में पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए 2 दिवसीय जांच आयोग गठित करने का ऐलान भी किया है। साथ ही आयोग में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लाकुर और कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य को सदस्य बनाया गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। दरअसल टिकैत ने कहा है कि सरकार ने अगर मांग हमारी नहीं मानी तो हम लखनऊ को भी दिल्ली बना देंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आंदोलन का प्रदेश है। ऐसे में राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि 4 साल से गन्ना का रेट नहीं बढ़ाया गया है।
12,000 करोड़ रुपए का अब तक बकाया है। दरअसल योगी सरकार ने गन्ने में 1 रुपए नहीं बढ़ाए और 7-8 राज्यों में किसान को बिजली फ्री दी जाती है, लेकिन ऐसा यूपी में नहीं किया जाता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि गुजरात की सरकार को पुलिस ही चलाती है और कुछ ऐसा ही यूपी में भी होने वाला है, जहां राज्य को पुलिस स्टेट बनाने की तैयारी की जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम किसानों के बीच जाएंगे और 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी किसान पंचायत का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं कैमरा और कलम पर पहरा लगाया जा रहा है, पूरे देश में कैप्चर करके रखा गया है। उन्होंने कहा कि जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे, हमारा आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। हम लखनऊ को भी दिल्ली बनाने का काम करेंगे। बता दें, लखनऊ के चारों तरफ रास्ते बंद करने का काम किया जाएगा। ये जानकारी राकेश टिकैत की तरफ से दी गई है। मॉनसून सत्र में लगातार हो रहे हंगामे के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कल ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे थे। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध करते हुए राहुल गांधी ने नई दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर चलाया था, जिसके बाद पुलिस ने उस ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया था। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने जिस ट्रैक्टर को चलाया था, उसे नई दिल्ली इलाके में एक ट्रक के अंदर छिपा कर लाया गया था। वहीं सूत्रों ने यह भी बताया है कि ट्रक में छिपा कर लाए गए ट्रैक्टर को सबसे पहले एक VIP शख्स के घर पर ले जाया गया था, क्योंकि ट्रैक्टर को ट्रक के अंदर छिपा कर लाया गया था, इसीलिए दिल्ली पुलिस की उस पर नजर भी नहीं जा सकी। वहीं एक सांसद की चिट्ठी का भी इस्तेमाल करते हुए ये बताया गया था कि इस ट्रक में सांसद का कुछ सामान दिल्ली जा रहा है। नई दिल्ली में यह ट्रैक्टर आखिर कैसे पहुंचा, इस बात की जांच के लिए एक अलग टीम का गठन कर दिया गया है। वहीं टीम जिले में लगे CCTV कैमरों की मदद से इस बात की जांच करेगी, साथ ही टीम ट्रैक्टर को लाए गए रूट का भी पता करेगी। पॉर्न वीडियो बनाने के मामले में फंसे शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा फंसे हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में आए दिन कई सारे नए खुलासे हो रहे हैं, साथ ही इस दौरान राज कुंद्रा का नाम पहली बार इस मामले में आया है। खबरों की माने तो पुलिस के मुताबिक जब फरवरी में पोर्नोग्राफी रैकेट का पर्दाफाश हुआ था, उसी दौरान राज कुंद्रा ने तुरंत अपना फोन चेंज कर लिया था। बता दें कि फरवरी में ये मामला सामने आया था, उसी दौरान राज कुंद्रा ने अपना फोन भी बदल लिया था। उन्हें हिरासत में लिए जाने के बाद अब इस बात का खुलासा किया गया है। और बता दें, राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया हुआ है। 20 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। राज पर अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें कुछ ऐप पर दिखाने का आरोप लगा हुआ है। साथ ही राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल में लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। साथ ही फरवरी 2021 में राज कुंद्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। हालांकि मुंबई पुलिस ने फरवरी में उमेश कामत को पॉन ब्रैकेट चलाने के मामले में गिरफ्तार किया था। उमेश कामत कुंद्रा की कंपनी के लिए पहले काम कर चुके थे। मॉनसून सत्र में जारी गतिरोध के बीच सरकार ने अब विधायी कामकाज को निपटाने के लिए आक्रामक रुख अपनाने का फैसला कर दिया है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई शीर्ष मंत्रियों की बैठक में सत्र की अगली 9 बैठकों में अध्यादेश से जुड़े सभी 6 विधेयकों को हर हाल में पारित कराने की रणनीति बनाई गई है। इसके अलावा सरकार कुछ अहम विधेयकों को भी विपक्ष के हंगामे को दरकिनार करते हुए पारित कराएगी। बता दें कि कार्यवाही शुरू होने से पहले ही PM मोदी की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में नेता पीयूष गोयल, BJP अध्यक्ष JP नड्डा के साथ आधे घंटे की बैठक हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में PM ने विपक्ष के रवैये की आलोचना करते हुए विधायी कामकाज निपटाने को लेकर प्राथमिकता देने का निर्देश भी दिया है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री से सत्र की बाकी बैठकों में सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं PM ने अध्यादेश से जुड़े कुछ 6 विधेयकों के अतिरिक्त महत्व वाले अन्य विधेयकों को भी चिन्हित कर इन्हें पारित कराने के लिए तैयारी करने का भी निर्देश दिया है।
बता दें बैठक में बनाई गई रणनीति की पहली झलक ही सोमवार को देखने को मिली, जहां लोकसभा में दिखी थी और साथ ही सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच ही सोमवार को दो विधेयक पारित कराए गए थे। इसके अलावा अध्यादेश से जुड़ा एक विधेयक पेश भी किया गया था। हालांकि सरकार की योजना इसी हफ्ते अध्यादेश से जुड़े सभी विधेयकों को लोकसभा में पारित कराने की है, जिससे अगले हफ्ते तक इस पर राज्यसभा की सहमति भी ली जा सकेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।